सूरदास, वात्सल्य सम्राट सूरदास, पर हम उनका यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस। कभी हम भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं और भ्रमर गीत में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष, श्रृंगार का भी कौन सा पक्ष है, वियोग पक्ष। क्यों? क्योंकि जो गोपिकाएं हैं, जो ब्रजवासी लोग हैं, वो कृष्ण से बहुत दूर हैं, है ना, और उद्धव आए हुए हैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए। आए तो सबसे पहले नंद बाबा यशोदा को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, पर यशोदा और नंद बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, पर जो गोपिकाएं थी उन्हें उद्धव से शिकायत हो गई, वो उनकी निर्गुण ब्रह्म को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाए, और कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो उस तरीके से वो व्यंग में उद्धव का मजाक उड़ाने लगी और उसके निर्गुण ब्रह्म का मजाक उड़ाने लगी। मैंने बताया था कि भ्रमर गीत लिखने का उद्देश्य क्या था सूरदास का, निर्गुण पर सगुण भक्ति की स्थापना करना, मतलब सगुण भक्ति को अधिक श्रेष्ठ बताना, इस माध्यम से उन्होंने ये बताया। तो कल जो हम पढ़ चुके थे उदो मन नाये दस बीज, उदो हमारे मन को दस बीज नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, अब तेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कौन से मन से करें। आगे वो कहती है निर्गुण कौन देश को वासी, और जब मतलब जब उद्धव बार बार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते ही चले जा रहे हैं, तो फिर सखियों ने उनसे तर्क करना शुरू कर दिया, गोपी कौन उन्होंने तर्क शुरू कर दिया, क्या तर्क शुरू कर दिया, ये देखिए निर्गुण कौन देश को वासी, ये तो बता दे कि तेरा जो निर्गुण है वो कौन से देश का रहने वाला है, पहचान बता, उसका परिचय करा। जब तक हमें परिचय नहीं होगा उस चीज को हम कैसे अनुपालना कर सकते हैं। अच्छा आप लोगों के साथ भी ये चीज होती नहीं होती है, आपको कोई चीज बता दी जाए तो आपको लगता है बताओ तो सही कौन है क्या है कैसे है, मन में आता रहे भाई कम से कम परिचय तो होना चाहिए। तो गोपी कहीं व्यंग कर रही है, अब आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि भ्रमर गीत में व्यंग बहुत प्रखर व्यंग किया गया है उद्धव पर, व्यंग्योक्तियां की गई है। तो निर्गुण कौन देश को वासी, इसे निर्गुण ब्रह्म है तेरा, हमें ये बता दे वो कौन से देश का रहने वाला है। मधुकर हस समझाए सोहदे भूजत साच नहासी, और फिर गोपिकाओं ने साथ में एक धमकी दे दी, क्या धमकी दे दी, मधुकर मतलब भंवरा, अब यहाँ भंवरा किसको कहा जाता है, कहा गया है उद्धव को, वो कह रहे मधुकर हस समझाए सोहदे, देख हम तुझे कसम दे रहे हैं सच सच बताना, झूठ मत बताना कि निर्गुण कौन देश का रहने वाला है, मजाक मत करना, भूजत साच नहासी सचमुच पूछ रहे हैं, गंभीरता के साथ तेरे से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रहे हैं, कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम को सच सच बता देना, तेरे को कसम है। को है जनक, ये बता दे कि निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, जनक माने को है जनक, जननी को कही है और उसकी माँ कौन है, कौन नारी को दासी और उसकी स्त्री कौन है, पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, कैसो वरण उसका रंग कैसा है, भेष है कैसा, वो वेशभूषा कैसा धारण करता है, के ही रस में अभिलाषी उसकी अभिरुचियां बता दो, रस का मतलब क्या है यहाँ पर, अभिरुचि हॉबीज, क्या चीज इसको पसंद है, पावे गोपुरी की हो आपनो जोरे कहे रो हासी, ये दो लाइन बाद में समझोगे, पहले यहाँ इसको इसका आनंद लीजिए। सखियां उससे कह रही हैं कि मधुकर हे मौले सच सच बता दे, तुझे कसम है निर्गुण कौन देश का रहने वाला है, उसका पिता कौन है, माता कौन है, और पूछ हमसे पूछ, हम कृष्ण को ध्याती हैं, हम कृष्ण की पूजा करती हैं, तो कृष्ण के बारे में पूछ ले, हम बता देंगे कौन देश के वासी, ब्रजवासी रहने ब्रजवासी है, ब्रज के रहने वाले, तो मैं हमें उनके पिता का नाम पूछ बता देंगे नंद बाबा है, तो माँ का नाम पूछ बता देंगे यशोदा है, तो नारी का नाम पूछ, तो दासी का नाम पूछ, तो रंग पूछ उनका बता देंगे सांवला रंग है, तो कपड़े के पूछ बता देंगे पीताम्बर पहनते हैं वो, तो रस कौन से रस में है, आनंद रस में डूबे रहते हैं हमेशा, प्रेम रस में डूबे रहते हैं हम, अपने जो हमारे ब्रह्म है, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे प्रभु है, हम उनका पूरा वर्णन तुझे दे सकते हैं, इतना हम उनको गहराई से जानते हैं, तू जो निर्गुण ब्रह्म का इतना पक्ष ले रहा है और हमें निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश दे रहा है, क्या तू अपने निर्गुण ब्रह्म को जानता है, क्या तू अपने निर्गुण ब्रह्म का परिचय हमसे करवा सकता है, क्या बता सकता है वो कौन है क्या है, क्या अब बताइए कि वो क्या जवाब देता है उद्धव इस बात का, है निरुत्तर होकर रखे बाप चातुर्य देखा आपने, पावेगी पूरी क्यों आपनो जोरे कहे वो घासी, घासी का मतलब है झूठ, यदि तूने हमें झूठ कहा निर्गुण के बारे में, पावे को पूरी क्यों आप, जैसे कर्म करेगा ना झूठ बोलेगा तो झूठ का परिणाम क्या है, पाप मिलेगा तुझे, तो तू जैसे कर्म करेगा ना वैसे ही तुझे कु
परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो पावेगा पुनि क्यों अपना अपने करनी का फल तू भोगेगा यदि तूने हमसे झूठ या हमसे कोई धोखेबाजी की थी। सुनत मौन वह रहे हो ठगे हो से हो सूर सवे मत नासिक। और ये सारे प्रश्न सुनकर जो उद्धव जितने ज्ञानी थे उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म के प्रकांड पंडित थे उनकी मति नासी ऐसा लगा जैसे उनकी बुद्धि समाप्त हो गई और ठगा सा रह गया, कोई भी जवाब नहीं बन पाया। हमारे हिंदी में एक बड़ा प्यारा शब्द है इसके लिए, किम कर्तव्य विमूढ। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है क्या करूं और क्या नहीं करूं। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है बुद्धि खत्म हो गई, क्या करूं और क्या नहीं करूं। यहां से ये भी हटा दो तो केवल गिनती लग जाएगी किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, क्या करूं और क्या ना करूं, बुद्धि ही काम नहीं कर रही। अपन भी तो कई बार ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, लगता है बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आ रहा है, साथ ही नहीं दे रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा, तो कहते नहीं आते। तो जो उद्धव है उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मति नासी, उनकी सारी जो बुद्धि थी, सारे जो उनका विवेक था, सारा जो उनका ज्ञान था, ऐसा लगा जैसे उसका नाश हो गया। सुनो तो मौन रहे, सुनते ही क्या हो गया, वो मौन हो गए। इतना बोल रहे थे चटपट चटपट चटपट, बोलती बंद हो गई। और रहो ठगियो सो ठगासा रह गया, किम कर्तव्य विमूढ़ रह गया, और ऐसा लगा जैसे उनकी बुद्धि ही समाप्त हो गई। बहुत सरल सा भ्रमर गीत है, आपको समझ में आया होगा। और हम तो ये तो देख ही रहे हैं कि क्या कहते हैं इसमें वाक्चातुर्य दिखाई दे रहा है, हमको व्यंग्योक्ति दिखाई दे रही है, और साथ ही हम देख रहे हैं अंत अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या नहीं है, और एक तरीके से मांगवीकरण अलंकार दिख रहा है, क्योंकि वो उसका क्या कर रहे हैं, मांगवीकरण करके बता रहे हैं ब्रह्म का भी, है ना। आगे देखें, बहुत प्यारा है, आगे आपने शायद पढ़ा भी है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो यह दृढ़ करी पकड़ी और जागत सोपत सपने सोतुक कान कान जकरी। कान कान कौन सा अलंकार है, एक ही शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, जब एक ही शब्द का रिपीटेशन हो एक के बाद एक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कौन सा अलंकार, कान कान जकरी और सुनती जोग लगत ऐसो अली जो करोई ककड़ी। कैसी है, कड़वी ककड़ी हो, सोई व्याधि हमें ले आए देख सुनी ना करी, और यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। बहुत प्यारा भ्रमर गीत है। पहले मैं इसको समझाने से पहले आपको दो चार चीजें समझा दूं तो आप इस पद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हारेल एक पक्षी का नाम होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें नाम आया ना शब्द हारेल, तो ये हारेल क्या, हारेल की रखनी ये रूपक अलंकार है यहाँ पर यह हारेल क्या, हारेल एक पक्षी होता है, उस पक्षी की एक नेचर होती है कि उसके जो पंजे होते हैं ना, पंजे में ऐसे करते लकड़ी पकड़े, उड़ता भी है तो भी अपने लकड़ी पकड़े पकड़े उड़ता, जहां बैठता है लकड़ी पकड़े के बैठता, छोड़ता नहीं है इस लकड़ी, ये हरिल पक्षी की विशेषता है। क्लियर, समझ में आ गई आपको, तो क्या कह रहे हैं हमारे हरी हरिल की लकड़ी, हमारे जो हरी है, हमारे जो कृष्ण है वो ये लकड़ी है, क्या है ये लकड़ी, लकड़ी हमारे हरी हरिल की लकड़ी, और किसने पकड़ रखा है, गोपियों ने पकड़ रखा, तो खुद को तो बता दिया पक्षी, और कृष्ण को क्या बता दिया, लकड़ी, अलंकार, कौन सा अलंकार, हमारे हरी हरिल की लकड़ी, हमारे जो हरी हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो तो हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जैसे हरिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, हम भी अपने कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। अब ये लाइन समझ में आई आपको, हमारे हरी हरिल की लकड़ी, अनुप्रास अलंकार तो है, हा हा हा, साथ में रूपक अलंकार है, हरिल की, कृष्ण को हरिल की लकड़ी कह दिया, ये रूपक अलंकार है। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर दृढ़ कर पकड़ी, जैसा वो जो हरिल पक्षी होता है ना वो दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ लकड़ी को पकड़े रहता है, ऐसे ही हमने भी अपने कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से, नंद नंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। भाई तेरे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देके हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो अब जब अपन किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो क्या कहते हैं, तन मन धन कहते हैं ना, तन मन धन से हम समर्पित है, सो कह रहे हैं वो मन से, वचन से और कर्म से। ना तो हमारे मन में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, ना हमारे वचनों में कोई दूसरा ब्रह्म आएगा, और ना हमारे कर्म में कोई दूसरा ईश्वर आएगा। हमने तीनों चीजों से
अपने हृदय में उन कृष्ण को मजबूती के साथ पकड़ रखा है, इसलिए तेरे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जगरी, अरे चाहे हम जगे और चाहे हम सोए और चाहे हम सपने देखें, सब जगह तो कान कान जगरी, सारे सब हमारे दिन को, हमारे रात को, हमारे सोने को, हमारे जगने को, हमारे सपनों को, सबने किसने जकड़ रखा है? कन्हैया ने जकड़ रखा है। हम तो कन्हैया कन्हैया ही कहते रहते हैं। और सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, अब देखो तुलना की गई है, ऐसा लगता है जो करोई ककरी नहीं, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ऐसा लगता है जैसे जब उपमेय उपमान में समानता बताई जाए, उपमा अलंकार अनुप्रास्त तो इसलिए हो गया आएगा क्योंकि यदि अपन देख रहे हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास्त लगना। जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हा हा आया दो बार, और उपमा अलंकार वहां होता है बेटा, जैसे इन्होंने क्या किया है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जो योग है वो कड़वी ककड़ी है। तो योग निर्गुण ब्रह्म का जो योग का संदेश है उसकी समानता किससे बता दी, कड़वी ककड़ी से। तो उपमा अलंकार हो गया, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा। तो सुनते ही मतलब पहले शब्द में ही हमें तेरा जो निर्गुण ब्रह्म का योग का संदेश है वो समझ में नहीं आया, ऐसा लगा जैसे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आ गई, अर्थात वो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा। तुलना करिए, उसको कड़वी ककड़ी बनाया बताया है, योग संदेश को क्या बताया है, कड़वी ककड़ी बताया। हमारे कृष्ण तो बड़े मीठे हैं और तेरा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसा है, कड़वी, ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी आ गई। जब कड़वी ककड़ी आपके मुंह में आ जाती है, आप सलाद खाते हो, और जब सलाद खाते हो और मान लो कोई कड़वा आ जाता है तो आपके घर फूंक देते हो ना, ये भी नहीं कि चलो खा लें, खाना खाते खाते आपका मुंह का जो कौर होगा वो भी आप फूंक दोगे, मुंह में कड़वी ककड़ी आ जाएगी। तो कहते हैं इसी तरीके से जैसे अपन कड़वी ककड़ी को थूक देते हैं, ऐसे तेरे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को भी हमने थूक दिया, अस्वीकार कर दिया, हमें पसंद नहीं आया। और सोई व्याधि हमें ले आए, देखे सुनी ना करी, और फिर व्यंग कर रही है, एक बात से हमको चैन नहीं पड़ा, कड़वी ककड़ी कह के चैन नहीं पड़ा। जब हम किसी के बहुत विरुद्ध बोलते हैं ना, मन में गुस्सा आ रहा होता है तो एकाध गाली से काम नहीं चलता, बहुत सारी सुनाना पड़ता है उसको। तो कह रहे थे कड़वी ककड़ी कह दिया, फिर कह रहे ये तो बीमारी है, ये कैसी बीमारी हमारे पास ले आए, सोई व्याधि, व्याधि माने बीमारी, ये कौन सी व्याधि लेकर आ गए निर्गुण ब्रह्म, ये कौन सी बीमारी है, ना पहले कभी सुनी ना पहले कभी देखी, अरे हमने तो कभी निर्गुण ब्रह्म का कभी नाम ही नहीं सुना। तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को क्या कह दिया, बीमारी तक कह दिया। या तो सूर्य तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, और देख उद्धव तू ये जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आया है ना, तो ये हमें तो मत दे, क्योंकि तू हमें क्या कह रहा है कि कृष्ण की भक्ति छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने लग जाए, कृष्ण की आराधना को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने लग जाए, हमसे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा मन चलायमान नहीं है, एक बार किसी के हो गए तो हो गए। अब ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश तुझे देना है ना, तो यह तो सूरत तीने उनको दे दो, किनको दे दो, जिनके मन चलायमान है, जो आज किसी और को ध्याते हैं कल किसी और को ध्याते हैं, आज उनके मन में कोई और है कल उनके मन में कोई और है, जिनके मन अस्थिर है, स्थिर नहीं है, जो बदलते रहते हैं मौसम के साथ, हम नहीं बदलते मौसम के साथ, हमने तो कृष्ण की आराधना की है और उसी की आराधना करते रहेंगे। तो ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान तो हमें मत दे, उनको ले जाके दे दे जिनके मन चलायमान है, चक्री मतलब चलायमान, चक्री का मतलब क्या है, अस्थिरता, चलायमान, जो बदलते रहते हैं उनको ये ज्ञान दे, हम नहीं बदलने वाले, हम तो कृष्ण की भक्ति ही करेंगे। क्लियर बेटा, समझ आया, रूपक अलंकार समझ में आया क्या, देखो एक बार फिर आपको समझा दूं बेटा, इस बात पे विशेष ध्यान दो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो ना, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए ता 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 ता, है ना, एक मूवी आई थी उसमें गाना था पके पेड़ से पका पपीता, पा 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 पा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खा 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 खा, चालू चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाया चाचा। तो जब एक ही वर्ण मन, मतलब एक अक्षर की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आए,
तो हमको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब इस अनुप्रास अलंकार के भी आपने बहुत सारे भेद पढ़े होंगे, छह का अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास पढ़े हैं ना, वो मैं बाद में बताऊंगी जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगी। पर आज तुम इतना ध्यान रखो कि जब एक वर्ण की दोबारा से आवृत्ति हो जाए, जैसे हरी हारिल की लकड़ी, हा हा दो बार आ गया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। दूसरा मैं आपको अलंकार बताऊं जब एक शब्द की आवृत्ति हो जाए, जैसे कान कान, पर उनका अर्थ ना बदले, कन्हैया कन्हैया मतलब क्या इनका, कन्हैया कन्हैया, फिर दोबारा से अर्थ एक ही है, तो हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाशन। लेकिन जब शब्द की आवृत्ति हो जाए और अर्थ बदल जाए, जैसे कनक कनक शब्द की आवृत्ति हुई है पर एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना, तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। ये पांच सात अलंकार है जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक अलंकार है आपका उपमा अलंकार, बहुत ज्यादा आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि दो चीजों की तुलना की जाती है, दो चीजों को समान बताया जाता है। आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, एक उपमेय उपमान साधारण धर्म इसमें होता है और वाचक शब्द होते हैं। अभी आप केवल इतना करो कि जब मैं दो चीजों की तुलना करूं कि अरे भाई ये, अरे ये तो गोल की तरह गोल है, तो मैंने क्या कर दी, समानता बता दी। तो जब किसी चीज की किसी दूसरी चीज से समानता बताई जाए, जैसे उसका मुख चंद्रमा है, मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा के समान है, तो हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। क्या कहेंगे, उपमा, वैसा ही बता देना, समान बता देना, है ना। और जब उपमेय उपमान को मैं एक कर दें, तो ये तो बॉल है, ये मैंने ये नहीं कहा बॉल के समान है, क्या कह दिया, ये तो बॉल है, इसी को बॉल बता दिया। मुख चंद्रमा है, मुख को ही चंद्रमा बता दिया। चरण कमल, चरण को ही कमल बता दिया। राजीव नयन, नयन को ही राजीव बता दिया। तो ये है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक। और जब मैं कहूं कि नयन राजीव की तरह है, चरण कमल की तरह, जो चरण है वो कमल की तरह कोमल है, तो उपमा अलंकार। तो इन दो को आप बहुत ध्यान से सुन लो, जब हम किसी की समानता करें, दो चीजों की समानता बताएं, तो उपमा अलंकार। और जब उन दोनों चीजों को एक कर दें, उनमें इतनी ज्यादा समानता है कि दोनों को एक कर दें, चरण कमल, इतनी समानता है कि चरण बिल्कुल कमल है, तो क्या कहेंगे, रूपक अलंकार। ये कम से कम आपको मैं आपको बताऊं, एक तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्य अनुप्रास, ये 9-10 अलंकार है और बहुत इजी है। ये अलंकार तो कम से कम आप अच्छे से पढ़ लो, हमारा यदि आप कहोगे तो ये जैसे चैप्टर हो जाएगा ना, तो मैं आपकी 2 क्लास अलंकार की ले लूंगी।